आनंदपुरी थाना क्षेत्र के पोलापान गांव में बिना होलीग्राम की शराब भंडारण के आरोप में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आनंदपुरी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि आईजीएस परिमला के निर्देशन, बांसवाड़ा एसपी आईपीएस अभिजीत सिंह चौधरी के निर्देश पर पुलिस एमडीटीएच ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 6 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के पोलापाना गांव के लाइसेंसधारी अर्पिता चौधरी के गोदाम पर बिना होलीग्राम की अवैध शराब भंडारण की सूचना मिलने पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान आबकारी पुलिस टीम की मौजूदगी में बिना होलीग्राम की प्रिंस मदिरा 96 पेटी आरआईओ विस्की की 124 पेटी जो बांसवाड़ा के सुंदनी से तैयार की हुई पाई गई थी, उस समय गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया था। इसकी सलोपाट थाने में रिपोर्ट कर जांच आनंदपुरी थाना पुलिस को सौंपी गई थी, जिस पर पुलिस ने गोदाम संचालक मध्य प्रदेश के भिंड थाना क्षेत्र के पवन सिंह रजावत को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर बताया कि शराब सलोपाट निवासी रमेश सेठ की ओर से सुंदनी शराब फैक्ट्री से शराब भरकर लाना एवं ये शराब का कारोबार बीते 6 माह से एक ही परमिट पर एक दिन में 2 से 3 गाड़ियां भरकर लाना कबूल किया, जबकि ये परमिट मात्र एक दिन में एक गाड़ी लाने ले जाने के लिए ही होता है। पुलिस और डीटीएच की संयुक्त कार्यवाही पर पकड़े गए अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग शंका के दायरे में आता नजर आ रहा है। आपको बता दें, बीते 6 माह से बिना परमिट के अगर अवैध शराब को लाया ले जाया जा रहा है तो उनकी अब तक जांच क्यों नहीं की गई? इस मामले में कौन कौन अधिकारी शामिल हो सकते हैं? पुलिस अभी इस मामले में भी गहनता से जाँच कर रही है। आगे इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं।